Our rivers are dying in Bhaderwah. This is not a protest. This is not an agitation. This is a campaign to raise awareness that our rivers are depleting. Everyone who consumes water must rally for rivers. Many of the smaller rivers have already vanished, which included river on front of Jammu, Majid, Bhaderwah, Chenab River, Chakka River, and many more. The truth is that much of the garbage of the town is directly or indirectly being dumped into the rivers, polluting them. There was a time when water from all rivers in Bhaderwah was used to be crystal clear and pollution free, as no sewerage drain used to fall in the rivers. However, nowadays almost all rivers have become highly polluted. The water of Niru River and Jammu Majid River is highly polluted due to disposal of organic waste. The constitution under Article 51A, fundamental duties, caused a duty on every citizen of India to protect and improve the natural environment, including lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for the nature. और इसका प्रॉपर कोई है ही नहीं, तो डिस्पोजल करते थे यहाँ पर नाम के ही आते रहते पानी में, ये टाटी पानी में जाते हैं, फलस यहाँ पर गिरता है, जो पानी में गिरता है सारा इसी पर गिरता है। आप खुद अंदाजा लगाएं यहाँ पर कितनी गंदगी है, ये पानी पीते हैं नीचे लोग, दूर दराज से आते इस मस्जिद को, तारीख मस्जिद को देख ले, फिर यहाँ से नजर पड़ती है, वो कहते हैं ये क्या है, इतनी गंदगी यहाँ पर, इसके सामने ये गंदगी है, मस्जिद के सामने इतनी गंदगी है। यहाँ पर कैमरा लगा लीजिए आप, यहाँ कितनी गंदगी के घेर हैं, और यहाँ सुबह शाम गंदगी इसमें जाती है, लेटरिन पानी बदबू आती है यहाँ पर, कि यहाँ उठना बैठना मुश्किल हो जाता है हमें यहाँ पर, आम लोगों को। आप देख रहे हैं ये सिटी, ये शहर की हालत है, इस सिटी के अंदर ही ऐसी हालत है, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हम कितने मरहल से गुजर रहे हैं। पोल्यूशन होती है पानी में, ये पानी हज़ारों लोग नीचे पीते हैं, और ये जो लेटरिन है सीधा इस पानी में जाती हैं, और नीचे सब लोग खूबसूरती जो पानी है, पानी में दरिया में। कंट्रोल ने आर्डर किया है इनको कि ये जी ये उठाओ फौरन, और उसके बावजूद डायरेक्ट लोकल बॉडीज ने आर्डर किया है, उसके बावजूद ये डिसमेंटल नहीं हो रहा है, हमें समझ नहीं आती कि ऐसा क्या है कि ये डिसमेंटल नहीं करते हैं। वहाँ से जाते हैं ये सारी लेटरिंग जो है, वहाँ से सीधी पानी में जाते हैं, कहाँ से, वहाँ से देख लीजिए, वो पाइप लगी है, हालांकि की पाइप लगी सीधे उसी में जाती है। ये लेटरिन जो टॉयलेट्स बने हैं, ये डायरेक्ट इसकी गंदगी जो है वो पानी में जाती है। भद्रवाह की आवाम को भी चाहिए कि हम लोग अपनी जिम्मेवारी समझें, और किसी तरह की गंदगी जो है वो हम इन रिवर्स में ना फेंकें, और बाकियों को भी हम रोकें इन रिवर्स में गंदगी फैलाने से, क्योंकि एक ऐसा वक्त था जब जामा मस्जिद के आगे से, जिसको हालिया दरिया कहते हैं, और नीरू रिवर जो है लोग इनका पानी पिया करते थे, और ख़ासकर अगर हालिया दरिया की बात की जाए तो लोग नहाते थे हवेली महला और इसकी आई डिजाइनिंग एरियाज़ में नहाया करते थे, लेकिन आज जो है बिल्कुल स्मेल आती है, गारबेज इतनी है, गंदगी इतनी है, जितनी भी लोगों ने अपनी पाइप्स हैं बाथरूम्स की वो डायरेक्ट वहाँ लगाई हैं, और इस चीज़ से परहेज़ करना, जितना हम कुदरत के साथ छेड़छाड़ करेंगे और उसका जो है कुदरत भी फायर बैक हमें करेगी, और यही वजह है कि आज टोटल इम्बैलेंस हो चुका है फ्लोरा एंड फाना में। जब हमें स्नो की नीड होती है तब स्नो नहीं होती है, जब गर्मी की ज़रूरत है तो तब ठंड हो जाती है, तो इसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत, आइए हम अज़म लें कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को बचाएं, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें, हम नेचुरल दरियाओं को